स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज मैं आपके लिए लेकर आया सूजी के बर्फे। आप भी इस बर्फे को बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ले लिया है और इसी कटोरी का नाप के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने यहाँ पे बारीक बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो सूजी हो वो मोटी हो तो आप उसे मिक्सर जार में एक बार चला लें। सूजी को हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। ध्यान रखें गैस को हमें लो ही रखना है, बिल्कुल ही तेज नहीं करना। अगर आप गैस को तेज करेंगे तो आपका सूजी जो है जल्दी ब्राउन कलर का हो जाएगा, इससे आपको लगेगा सूजी जो है जल्दी फ्राई हो गई है, लेकिन सूजी अंदर से कच्ची रह जाती है। बर्फी का जो कलर है वो थोड़ा डार्क कलर चाहते हैं, तो फिर आप सूजी को हल्का सा ज्यादा फ्राई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर बर्फी का जो कलर है उसका व्हाइट कलर रखना पसंद करूंगी, इसलिए मैं सूजी को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी। बस सूजी का कच्चापन दूर हो जाए इतने फ्राई करूंगी। और समय से देखे तो 5 से 7 मिनट लग जाएगा हमें उस सूजी को भूनने के लिए। सूजी को लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक फ्राई कर लिए है। आप देख पा रहे होंगे 5 मिनट में सूजी का कलर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है, तो हमें इतना ही फ्राई करना है। अब हम सूजी को उतार लेंगे किसी और बर्तन में। हम उसी कटोरी से एक कटोरी चीली ले लेंगे। उसी कटोरी से एक कटोरी दूध ले लिया है मैंने, यहाँ पर फुल क्रीम वाले दूध लिया है। चीनी और दूध को लगातार चला लेंगे, इससे हमारी चीनी जो है जल्दी पिघल जाएगी। इस टाइम हम गैस को फुल कर देंगे ताकि हमारी चीनी और दूध जल्दी से पिघल जाए। साथ में मैं यहाँ पर डालूंगी 4 दरदरा कुटी हुई इलायची पाउडर। मैंने इलायची के बीजों को ले लिया है और छिलकों को हटा दिया है। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फी को और ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4-5 काजू और 4-5 बादाम को दरदरा मिक्सर जार में पीस लिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है सकते हैं। हमारी ये जो चीनी है अच्छे से पिघल चुकी है, इसके साथ ही दूध पहले की तुलना में काफी ज्यादा पतला हो गया है, यानी कि चीनी पिघलने से दूध की क्वांटिटी जो है थोड़ी सी बढ़ गई है। यहाँ पे जो सूजी को फ्राई कर रखे थे उसे डाल देंगे। सूजी को भी लगातार चलाते हुए अच्छे से इसके साथ यानी दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे सूजियों में गुठलियां बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। आप चाहे तो दूध की मात्रा कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारी सूजी जो है दूध के साथ में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बर्फी में मावा वाला टेस्ट लाने के लिए हम यहाँ पर 1 कप जो है मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे। और हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते रहेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे मिल्क पाउडर की भी गुठलियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 कप गुनगुना दूध कर ले या फिर आधी कप, उसमें जितना आप मिल्क पाउडर ले उसे अच्छे से पिघला ले, उसके बाद में डाल सकते हैं। लेकिन देखिए इस तरह डालने से भी अच्छे से पिघल जाती है, इसमें जरा सा भी गुठलियां नहीं बनती है। और अगर गुठलियां बन जाती है तो आप जिस टाइम मिक्स करें चमचे की सहायता से उसे हल्के हाथों से फोड़ दें, आप देख सकते हैं इसमें जरा सा भी गुठलियां नहीं पड़ रही है। अब हम यहाँ पे बचे हुए मिल्क पाउडर को भी डाल देंगे। इसकी तुलना में हमारा जो दूध है ये सूजी ने काफी हद तक सोख लिया है। इन्हें यहाँ पे 25 ग्राम घी ले लिया है वजन से देखे तो। ये हमारी खाने वाली जो नॉर्मली छोटे चम्मच आता है वो चम्मच है, इसे 4 चम्मच भर कर ले लिया है। तो इसे हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। लास्ट में घी डालने से घी का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसके साथ ही टेस्ट कुछ अलग ही आता है। पर आप चाहे तो जिस टाइम दूध को गर्म करें उस टाइम भी डाल सकते हैं, या फिर सूजी को भूनते वक्त भी डाल सकते हैं। घी के साथ में सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम घी में आप इस बर्फी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सूजी को मीडियम टू लो गैस पर 5 से 7 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं सूजी जो है अच्छे से दूध को सोख लिया है। साथ ही देख सकते हैं सूजी यानी सूजी का जो डो है ये कढ़ाई में चिपकना बिल्कुल ही बंद हो गई है और ये डो के फॉर्म में आ चुकी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और इसे जमाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह कंधे वाला एक प्लेट ले लिया। आपके पास अगर बर्फी का ट्रे या फिर कोई भी बर्तन हो उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल लूंगी, अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम थाली में अच्छे से फैला देंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे घी को पूरे थाली में अच्छे से फैला लिया है। इसी तरह से फैला लेना है, इससे हमारी जो बर्फी है वो ट्रे पे यानी थाली में चिपकेगी नहीं। हम यहाँ पे इस डो को डाल देंगे जो हमने सूजी का बनाकर तैयार किया है और चमचे की सहायता से हम यहाँ पे अच्छी तरह मिश्रण को फैला देंगे बराबर मात्रा में। हमने सूजी को बराबर मात्रा में फैला लिया है। अब हम इस प्लेट को 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, यानी हमारी जो बर्फी है वो अच्छे से सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट में हमारे जो बर्फी है अच्छे से सेट हो जाती है। तो चलिए अब हम इसे काट लेंगे। आप अपने मनचाहा आकार में काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आप भी इस तरह से घर में रखे सामग्री से सूजी का बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये बर्फी बनाना बहुत ही आसान और खाने में ये बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं घर पे बनाकर बहुत ही बढ़िया बर्फी तैयार कर सकते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।